दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीवी पर कई मेलो ड्रामास वाले सीरियल देखने को मिलते हैं, जहां मेकर सीरियल में नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि सीरियल की टीआरपी और स्टोरी दोनों ही बढ़ती रहे। जहां टीवी इंडस्ट्री के कई सीरियल अपनी अटपटी कहानी की वजह से कुछ दिनों बाद ही पूरी तरह से बंद कर दिए गए, तो वहीं कुछ टीवी सीरियल अपनी अटपटी कहानी के लिए ही दर्शकों के बीच काफी चर्चाओं में रहे और उन्हें उनकी यूनिक स्टोरी की वजह से दर्शकों का खूब प्यार भी मिला। तभी तो टीवी इंडस्ट्री में ऐसे 6 सीरियल रहे हैं जिन्हें उनकी अटपटी कहानी की वजह से ही दर्शकों द्वारा पसंद किया गया और वो टीआरपी की लिस्ट में भी कई बड़े बड़े टीवी सीरियल्स को टक्कर देते नजर आए। और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो के जरिए हम आपको उन्हीं कुछ टीवी सीरियल के बारे में बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, नजर। सीरियल नजर की अटपटी कहानी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था, जहां सीरियल में दिखाया गया था कि एक खतरनाक डायन के बेटे को एक आम लड़की से प्यार हो जाता है और बाद में उसकी पत्नी के पास भी सुपर नेचुरल शक्तियां आ जाती हैं। इस कहानी ने अपने अनोखेपन से दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई थी, जिसके बाद दर्शकों ने इसके दूसरे पार्ट की डिमांड की थी, जहां मेकर सीरियल के दूसरे पार्ट को भी दर्शकों के सामने लेकर आए थे। तभी तो सीरियल ने टीआरपी लिस्ट में अपने आप को नंबर 1 पर पहुंचाया था। नंबर 2, बैरिस्टर बाबू। बैरिस्टर बाबू सीरियल भी अपने अनोखेपन के लिए जाना जाता है, जहां सीरियल में अनिरुद्ध बोंदिता को बाल विवाह से बचाने के लिए उससे शादी कर लेता है और उसे खूब पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बनाता है, जिनकी लव स्टोरी भी सीरियल में काफी अनोखी थी, जिसकी वजह से दर्शकों ने सीरियल को खूब पसंद किया था। इसलिए तो सीरियल ने दर्शकों के बीच खूब धमाल मचाया और अपने आप को टीआरपी टॉप लिस्ट में पहुंचा लिया था। नंबर 3, दिव्य दृष्टि। सीरियल दिव्य दृष्टि ने अपनी अटपटी कहानी से दर्शकों के बीच खूब नाम कमाया था। बता दें, साल 2019 में आए इस सीरियल में दिखाया गया था कि एक आम लड़के को जादू करने वाली लड़की से प्यार हो जाता है, जिनके बीच काफी अनोखी लव स्टोरी देखने को मिली थी। यही नहीं, सीरियल में पिशाचनी का भी रोल देखने को मिला था, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नंबर 4, ये प्यार ना होगा कम। साल 2009 में आया सीरियल ये प्यार ना होगा कम ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। सीरियल में अबीर और लहर की अनोखी लव स्टोरी देखने को मिली थी, जिसमें अबीर पंडित घराने से बिलोंग करता है तो वहीं लहर एक बंगाली लड़की होती है, और इन दोनों कास्ट वाले ये लव स्टोरी देखने में दर्शकों को खूब मजा आया था। तभी तो इस सीरियल ने टीआरपी लिस्ट में भी अपने आप को खूब ऊपर पहुंचाया था। नंबर 5, ससुराल गेंदा फूल। सीरियल ससुराल गेंदा फूल साल 2010 का सबसे पॉपुलर शोज में से एक था, जिसकी डिफरेंट स्टोरी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था, जहां एक अमीर घराने की लड़की सुहाना की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है और उसका अपनी सास के साथ काफी अच्छा बॉन्ड हो जाता है, जहां बिल्कुल अपनी बेटी की तरह सास बहू को मानती है, और इसी स्टोरी ने दर्शकों का खूब दिल जीता था। नंबर 6, नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी। इसके आखिरी नंबर पर नाम शुमार है सीरियल नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी का, जिसका टाइटल ही इतना अनोखा रहा है तो सीरियल की कहानी कितनी अनोखी होगी। जी हाँ, सीरियल में एक नाटी लड़की की लव स्टोरी देखने को मिली थी, जिसकी शादी एक लंबे लड़के से होती है, और सीरियल की ये अनोखी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसे फैंस आज भी भुला नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, इन सीरियल में से आपका फेवरेट सीरियल कौन सा था, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।